दोस्तों नमस्कार। इंडियन आर्मी भारत की शान है और हर युवा इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी में शामिल होना इतना भी आसान नहीं होता। आर्मी में शामिल होने के लिए आपका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों आपकी लंबाई और वजन आर्मी के नियमों के मुताबिक होने चाहिए और आपका पैर समतल यानी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। जिसके पैर समतल होते हैं उन्हें आर्मी में नहीं लिया जाता। अब सवाल उठता है कि समतल पैर वालों को आर्मी में क्यों नहीं लिया जाता, तो दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इंसान के पैरों का सामान्य कार्य होता है दौड़ते या भागते समय जमीन और पैरों के बीच उत्पन्न होने वाले झटकों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करना, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पैरों का आर्क सही हो। दोस्तों आर्क का मतलब होता है पंजे और एड़ियों के बीच में खाली जगह। जब भी कोई दौड़ता है तो वो हमेशा दौड़ते समय अपने पैर के पंजे का इस्तेमाल करता है और दौड़ते समय आपका पैर धरती के संपर्क में आता है। ऐसे में धरती से झटके उत्पन्न होते हैं और इन उत्पन्न झटकों को एड़ियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन समतल पैर में ऐसा नहीं होता। और इसलिए क्योंकि समतल जमीन में पैर पूरा का पूरा संपर्क में आता है, इस वजह से झटके सीधे पैर की हड्डियों और कमर तक चले जाते हैं। इन झटकों की वजह से आपके पैरों या पैरों की हड्डी और कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि सेना में 10 से 20 किलोमीटर के मार्च होते रहते हैं और समतल पैर वाले इन मार्च को निकाल पाने में सही तरह से सक्षम नहीं हो पाते। इसके अलावा आर्मी में ऊबड़ खाबड़ जगहों पर चलना होता है, कूदना होता है और दौड़ना होता है। ऐसे में समतल पैर वालों का स्पाइनल डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और सरकार ये कभी नहीं चाहती कि ड्यूटी के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी तरह की भी चोट आए और आपको डिसेबिलिटी पेंशन देकर आपको अपने घर वापस भेज दिया जाए। दोस्तों यही कारण है कि आर्मी में समतल पैर यानी फ्लैट फुट वालों को नहीं लिया जाता। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान पाएं कि फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।